काशीपुर में भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने तीज त्योहारों के अवसर पर महिलाओं के लिए तीज मेले का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। भारत विकास परिषद ने काशीपुर में तीज मेले का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं के लिए मेहंदी और खरीदारी के लिए दुकानें लगाई गई। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष विनय जैन ने बताया कि भारत विकास परिषद कई वर्षों से त्योहारों को लेकर तीज मेले का आयोजन करता आ रहा है और इस बार भी महिलाओं के लिए तरह तरह की दुकानें आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। भारत विकास काशीपुर द्वारा आज ये मेले का आयोजन किया गया है तीज उत्सव के नाम से। इसमें महिलाओं और बालिकाओं के द्वारा ही महिलाओं और बालिकाओं को मेहंदी लगाई जानी है। एक बड़ा सुंदर प्लेटफॉर्म यहाँ उपलब्ध कराया गया है भारत विकास परिषद के द्वारा, जिसमें सभी आराम से बैठ करके एक अच्छे माहौल में एक स्वच्छ वातावरण में यहाँ मेहंदी लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। रात के 8 बजे तक 9 बजे तक भी कार्यक्रम रहेगा। 20 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर आई हुई हैं। मेरा ये कहना है कि बहुत ही सुंदर प्रयास है, महिलाएं बहुत ही अच्छे ढंग से मेहंदी लगवाती थी। आज से 3 साल पीछे आए हम तो परिषद को लगा कि महिलाओं को स्वच्छ वातावरण देना चाहिए, रेटों का एक रेगुलेशन होना चाहिए। 500-700 रुपये एक हाथ के लेते थे, अब यहाँ पे हमने रेट को फिक्स किया है 150 रुपये एक हाथ, एक दो हाथ के 300 रुपये। और किसी को भी हम कुछ किसी भी लड़कियाँ जो लगाती हैं मेहंदी, हम उसे कोई भी चार्ज परिषद नहीं वसूल करता। हमें कुछ नहीं चाहिए, पर महिला सुरक्षित मॉडल कम रेट में मेहंदी लगवाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। और मैं समझता हूँ बहुत ही सुंदर प्रयास है। हम भारत विकास परिषद के इस मेले में आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब यहाँ पर आए, हमने आप सब लोगों के लिए बहुत सारे शॉपिंग किए, बहुत दूर दूर से स्टॉल्स लगाए हैं। आप लोग आए, इंजॉय करें और अपनी पूरी शॉपिंग करें और आपको यहाँ आके बहुत ही खुशी मिलेगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करें। हैप्पी टीज टू ऑल। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।